जनता ने जनादेश सुना दिया है, नरेंद्र मोदी फिर से देश के पीएम बन गए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब वक्त सांसदों के संसद जाने और शपथ लेने का है। देश उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि उनके चुने हुए सांसद लोकतंत्र के मंदिर में उनसे जुड़े मुद्दों को कब उठाएंगे और देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सांसदों की शपथ से पहले ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया और वजह है प्रोटेम स्पीकर का चयन। बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। पहले सत्र के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 95(a) के तहत भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, जिसका ऐलान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। भर्तृहरि महताब के साथ पैनल बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस के सुरेश, डीएमके के टीआर बालू, बीजेपी के राधामोहन सिंह और फगन सिंह कुलस्ते के साथ टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय को शामिल किया गया है। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भर्तृहरि महताब के सिलेक्शन पर कांग्रेस को एतराज है। कांग्रेस का सवाल आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले भर्तृहरि महताब को जान लीजिए। भर्तृहरि महताब कटक से 7 बार के सांसद हैं। मार्च 2024 में महताब बीजू जनता दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2017 में उन्हें आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन अवार्ड से नवाजा गया था। बतौर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब चुने हुए नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी करवाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि भर्तृहरि महताब का सिलेक्शन संसदीय परंपरा के खिलाफ है। सबसे वरिष्ठ सांसद को स्पीकर प्रोटेम नियुक्त किया जाता है। इस बार देखिए कोडिकेनल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं है। पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम चलाएंगे। कांग्रेस नेता के सुरेश 8वीं बार सांसद चुने गए हैं और दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस इसे भी मुद्दा बना रही। कांग्रेस सत्र शुरू होने से पहले इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है, जबकि एनडीए कांग्रेस के सवाल को खारिज कर रहा। स्पीकर पद रूलिंग पार्टी को रहता था, डिप्टी स्पीकर पद अपोजिशन को रहता था। ये परंपरा तोड़ दी, पिछली बार किसी को बनाया नहीं। डिप्टी स्पीकर के पास कई पदेन कमेटियां होती हैं, उनका क्या होगा, क्या वो ऐसे रहेंगे? फिर स्पीकर उठेगा तो डिप्टी स्पीकर को बैठना है उसकी जगह। अब क्या करेंगे, अधिष्ठाता मंडल से बैठा लेंगे। ये सब अनुचित है, ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। मेहताब साहब 7 बार के एमपी हैं, इतने सीनियर हैं। मैंने इतना कुछ सीखा है 17वीं लोकसभा में, मैंने 864 मुद्दे उठाए हैं, मेरी प्रेरणा है वो, मैंने इतना कुछ सीखा है। उससे ज़्यादा काबिल कोई व्यक्ति इस टेम्प्रेरी स्पीकर के लिए शपथ दिलाने के लिए कोई हो ही नहीं सकता था। पता नहीं फिर भी इस पे भी सवाल उठा रहे, क्या हो गया इनको, समझ नहीं आता। साफ है सत्र की शुरुआत से पहले जिस तरह एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा, उससे लगता है कि लोकसभा का ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर के बाद अभी स्पीकर पद पर भी सस्पेंस है। सरकार की तरफ से सूत्रों के हवाले से तो कई नाम छनकर आ रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर पिक्चर अभी साफ नहीं है। दूसरी तरफ पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा संख्या में संसद पहुंचे विपक्ष ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।